सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। Hi, hello to everyone. I'm Maika. Welcome to my channel. The name is Thakurjit Education and Entertainment. Friends, today I'm discussing about the topic. The name is Extension. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट किए थे कि उन्हें एक्सटेंशन के बारे में बताया जाए। स्पेसिफिक नाम मुझे याद आ रहा है निरंजन चौहान, जिन्होंने कमेंट किया था कि उन्हें एक्सटेंशन के बारे में बताया जाए। कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहे, तो मैंने पता किया, जितना मुझे पता चला आज मैं इस वीडियो में आपको उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक्सटेंशन के बारे में बता दूं। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि हम ज्वाइनिंग डेट के बाद ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, मान लीजिए आप जो ज्वाइनिंग डेट है उससे दो चार दिन आगे पीछे ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए आपको ज्वाइनिंग डेट के 10 से 12 दिन बाद ज्वाइन करना है, तो आपको क्या करना है? नॉर्मली आपको एक एप्लीकेशन राइट करना है विद रीजन कि आपके क्या कारण है। विद रीजन आपको एक एप्लीकेशन राइट करना है और कंसेंट फोर्स, मान लीजिए आपका सिलेक्शन सीआईएसएफ में हुआ है, मान लीजिए आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ में हुआ है, पीएसएफ में हुआ है, तो कंसेंट फोर्स को वो एप्लीकेशन भेजना है। आप उसे रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं या फिर आप उसे मेल भी कर सकते हैं। 10 से 12 दिन के एक्सटेंशन नॉर्मली कोई भी फोर्स आपको दे देती है। बट अगर मान लीजिए आपको एक महीने या 2 या 3 मंथ का एक्सटेंशन चाहिए तो आप क्या करें और कैसे करें? फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि पहले प्रोसेस बहुत आसान था, लेकिन डे बाय डे प्रोसेस टफ होता जा रहा है। अभी एक्सटेंशन मिलना इतना आसान नहीं है, इसके पीछे भी एक रीजन है। आपको बता दूं, जहां जहां ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वहां टाइम बाय टाइम कोर्सेज आते रहते हैं, साथ साथ ट्रेनिंग भी होती है। तो जहां वहां का जो डिपार्टमेंट होता है वो सबसे पहले ईयर में क्या करता है कि अपना शेड्यूल बना लेता है कि कैसे कैसे किस किस मंथ में क्या क्या होगा, और उसी के हिसाब से वो ट्रेनर्स अलॉट करते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ आने वाली है। तो इसके बेसिस पे अभी जो कोर्सेज है वो एक्सटेंशन बहुत कम दे रही है। अगर दे भी रही है तो वो मेडिकल रीजन पे दे रही है कि आपका कोई मेडिकल ग्राउंड होना चाहिए, मतलब कोई मेडिकल दिक्कत है तो आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। वो भी नॉर्मली अगर आपको कोई वायरल है, जॉन्डिक्स वगैरह है, तो उसके बेस पे भी आपको एक्सटेंशन नहीं देते। अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है जो कि आप ज्वाइनिंग डेट तक रिकवर नहीं कर सकते, टाइम लेगी वो, तो उसके बेसिस पे आपको एक्सटेंशन दिया जाता है। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन राइट करना है, सेम रीजन देना है, और विथ आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे उस कोर्स को सेंड कर रहे हैं। आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी कर सकते हैं या फिर आप मेल भी कर सकते हैं वहां के मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। आपने जो जो डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं उनको क्रॉस चेक किया जाता है। अगर उनमें कोई कमी पेशी पाई गई या फिर वो फर्जी पाए जाते हैं तो आपके जो एक्सटेंशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। अगर आप हायर स्टडीज के बेस पे एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो आपको बता दूं, नॉर्मली कोई भी कोर्स अभी हायर स्टडीज के लिए एक्सटेंशन नहीं दे रही है। फिर भी आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है आप एप्लीकेशन लिखे विद रीजन और कंसेंट फोर्स को सेंड कर दे, मे बी वो आपका कंसिडर कर ले एक्सटेंशन के लिए और मे बी नहीं। तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपको एक्सटेंशन मिलेगा या फिर आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो आप ज्वाइनिंग डेट का वेट ना करें, आप ज्वाइनिंग डेट से पहले ही एप्लीकेशन लिख के कंसेंट फोर्स से पता करें कि आपको एक्सटेंशन देने वाले हैं या नहीं। अब आप बात आती है, आपकी कोई एग्जाम है, मान लीजिए आपका कोई एग्जाम है थोड़े दिनों में, तो आप ज्वाइनिंग कर ले और वहां के जो डिपार्टमेंट है उसमें बता दे, ऑफिसर से उनको बता दे एसएससी मेरा एग्जाम है, तो आपको छुट्टी दे दी जाती है। बट ये उन पे डिपेंड करता है कि पूरे ट्रेनिंग शेड्यूल में वो आपको कितनी छुट्टी अलॉट करते हैं या फिर नहीं करते, ये सब उन पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि जो एक्सटेंशन लेना है ना वो इतना आसान नहीं है। आपके पास कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, विद प्रूफ होना चाहिए, तब भी आपको एक्सटेंशन मिलता है। और फ्रेंड्स, अगर आप एक्सटेंशन ले रहे हैं तो आपको जो कोरेस्पोंडेंस है वो पत्राचार लगातार करते रहना है। अगर आप 1-2 महीने तक उस कंसेंट फोर्स से कोई पत्राचार नहीं करते हैं तो भी आपको मतलब रिजेक्ट कर दिया जाता है। वैसे जो हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलता है उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर इस डेट तक आप इस फोर्स में ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलता है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा मिलता है, तो हम उस पर केस भी नहीं कर सकते।
क्योंकि कोर्ट देखेगा कि ये तो रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजा, तो हम उस पर केस भी नहीं कर सकते। तो आप ज्वाइनिंग डेट पर अपने ज्वाइन कर ले, अगर फिर भी आपको एक्सटेंशन लेना है तो वैलिड रीजन होना चाहिए, साथ में प्रूफ होना चाहिए। आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको एप्लीकेशन राइट करना है, रीजन देना है, कंसर्न फोर्स को सेंड कर दे, और मेल से भी कर सकते हैं आप, या फिर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी कर सकते हैं। बीच बीच में आप उससे कॉन्टेक्ट में रहे, मतलब कोरेस्पोंडेंस करते रहे। तो फ्रेंड्स, ये भी एक्सटेंशन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जितना मुझे पता चला मैंने आपको सब बता दिया है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। फ्रेंड्स, पहले टाइम कुछ और था, अब टाइम कुछ और हो गया है, तो एक्सटेंशन मिलना इतना आसान नहीं है। मैं यही बताने वाली थी आपको। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करें, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तो फ्रेंड्स, और हाँ, जो सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकन बना हुआ है, प्लीज 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 उसे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत बार मैं जब भी लाइव आई हूँ मैंने देखा है कि कोई भी फ्रेंड, बहुत कम फ्रेंड्स एक्टिव मिलते हैं तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, तो अगर आप उसको प्रेस कर दोगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो प्लीज उसको भी प्रेस कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर से कहूंगी उसे शेयर कीजिए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बिल्कुल ना भूले। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियोस में भी मैं आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है, तो स्टे कनेक्टेड विद अस। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ। सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। We'll be right back.